हाय गाइस स्वागत है आप सभी का मैं हूं डॉक्टर लोकेश बाली बेच अर्जुना में फिर से आप सभी का सभी का बाहें फैलाकर स्वागत है स्वागत है स्वागत है पिछली क्लासेज की अपार सफलता के बाद कुछ तकनीकी समस्या आ गई थी उसकी वजह से कई दिनों से हमारी क्लास नहीं हो पाई लेकिन आप सबके सहयोग हमारे अथक प्रयास से हम फिर लौट आए हैं अब आप बाए फैलाकर स्वागत कीजिए और एक बार वीडियो को सब लोग दिल से पूरे दिल से यहां से दिल से पूरी इज्जत के साथ एक बार लाइक कर दो और कमेंट्स में मुझे अपने सब्जेक्ट का नाम लिखकर बताओ लिखो एनटीए यूजीसी नेट और सब्जेक्ट का नाम जो लोग बाद में इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों से भी कह रहा हूं सब्जेक्ट का नाम और फिर एंटीसीनेटर सब्जेक्ट का नाम लिखो ताकि मैं आप लोगों के लिए आपके सब्जेक्ट के नोट्स टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा सकूं तो इसलिए आपको वो सारे सब्जेक्ट का नोट्स लिख रहे हैं जिनको टेलीग्राम पर मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं इसलिए खुद को आपका सब्जेक्ट का नाम लिखना क्योंकि मैं फाइंड आउट करूंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं देन हम आपको नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे तो यार कैसे हो सबके सब बैच अर्जुना में आज हम पढ़ने वाले हैं साथियों पढ़ेंगे साथियों इससे पहले हमने कई सारे यूनिट्स को साथियों यहां पर कवर कर लिया था मैं आपको बता दूं कि मैं पेपर वन पढ़ा रहा हूं आप लोगों को यहां पर जिसमें ऑल यूनिट कवर हो जाएंगी मैथ रीजनिंग का हिस्सा इस समय में सबसे पहले आप लोगों को पढ़ा रहा हूं कारण यह है क्योंकि जो मैथ से आपका जो डर है वो डर मुझे दूर निकालना है वेरी गुड डर आपका दूर निकल जाए बस काम बन जाएगा टेलीग्राम चैनल का नाम भी बतला रहा हूं और क्या क्या पढ़ेंगे साथियों ये मैथ का पूरा सिलेबस है इसको आज हम कंप्लीट करने वाले हैं मैथ में आपने ये लाभ और हानि का ये वाला सेक्शन है इसको आज हम पढ़ेंगे ये आज हमारी सातवीं क्लास है इससे पहले सिक्स क्लास हो चुकी हैं आपको फर्स्ट कमेंट में पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहां जा पर आप बाकी की क्लासेज भी देख पाओगे तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि सर बाकी की क्लासेज कहां मिलेगी बैच अर्जुना की बाकी की क्लासेज फर्स्ट कमेंट में पिन हो रखी हैं जाइए और वहां से आप इन क्लासेज को देख लीजिए और लाभ हानि से यार कितना अंकित मूल्य क्या है क्रय मूल्य क्या है विक्रय मूल्य क्या है कितने प्रतिशत लाभ हुआ कितने प्रतिशत हानि हुई कितने लोगों को डर लगता है कंफ्यूजन लगता है ईमानदारी से बेझिझक होकर लिखिए ईमानदारी से ईमानदारी से बेझिझक होकर लिखिए लाइट कम कर देता हूं बहुत ज्यादा लाइट पड़ रही है चेहरे पर है ना चलिए अभी ठीक है अब ठीक है क्या बहुत ज्यादा लाइट चल रही थी थैंक यू गाय थैंक यू मनी थैंक यू सबको डर लगता है कोई दिक्कत नहीं है जिन जिन को भी डर लगता है उन सब का बदला लेगा तेरा एक <laughs> वो वो डायलॉग नहीं है गैंगो वासेपुर का दादा का मामा का फूफा का सबका बदला लेगा तो हम लोग सबका बदला लेंगे चाहे वो चाये वो चाहे वो परसेंटेज हो चाहे वो लाभ हानि हो चाहे वो ब्याज हो हर चीज का हम लोग बदला लेने वाले हैं अर्चना कह रही है सर बेसिक अरे भाई बेसिक से ही पढ़ाता हूं मैं तो मेरी काफ लोगों ने मुझे अभी पढ़ाते हुए देखा नहीं है ना साथ नहीं आई होंगी इसलिए मैं तो साथियों बेसिक से ही आपको पढ़ाना शुरू करूंगा लाभ और हानि देखो लाभ हानि में एक तो होता है कॉस्ट प्राइस क्या होता है एक होता है कॉस्ट प्राइस उसको कहते हैं क्रय मूल्य का मतलब होता है किसी चीज को आप कितने रुपए में खरीद रहे हो देखो बिल्कुल जीरो से हीरो तक का सफर तय करेंगे हम जीरो से हीरो तक का सफर तय करेंगे मान लो ये मोबाइल है यह मोबाइल है मोबाइल मेरे हाथ में आपको जो मोबाइल दिख रहा है यह मोबाइल मैंने कितने में खरीदा है यह हो गया इसका कि कितने में इसको खरीदा है एक होता है साथियों विक्रय मूल्य अंग्रेजी में कहते हैं सेलिंग प्राइस इसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस अब इसका क्या है साथियों विक्रय मूल्य कितने का है अगर यह मैंने कितने में रुपए में बेचा है अगर मान लो ये सोचो कि मैंने मान लो इस मोबाइल को सौ रुपए में खरीदा है तो सौ रुपए इसका क्रय मूल्य हो गया और मान ले इस मोबाइल को मैंने पिछहत्तर रुपए में बेचा है तो पिछहत्तर रुपए इसका विक्रय मूल्य हो गया क्या हो गया ये इसका क्रय मूल्य हो गया यानी कॉस्ट प्राइस और विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस ये हो गया साथियों कॉस्ट प्राइस और ये इसकी सेलिंग प्राइस होगी। चलिए इतनी सी, सीधी चीज तो आप लोग जानते ही होंगे अब आपको मैं कुछ मजेदार चीजें करवाने का यहां पर प्रयास करता हूं देखो हमको आगे क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा एक तो प्रतिशत लाभ निकालना पड़ेगा है ना और एक हमको प्रतिशत हानि निकालनी पड़ेगी पहले मैं आपको आप में से कितने लोग हैं जो प्रतिशत निकालना जानते हैं आप में से कितने लोग हैं जो प्रतिशत निकालना जानते हैं वैसे मैंने आपको प्रतिशत निकालना सिखा दिया है बट कुछ लोग नए भी जुड़े होंगे तो वो उनको नहीं लग रहा होगा कि हमको प्रतिशत निकालना आता है कितने लोग हैं जिनको प्रतिशत निकालना आता है सबको आता है बहुत बढ़िया चलिए तो बहुत सरल क्वेश्चन से हम चीजों की शुरुआत करते हैं आइए क्वेश्चन नंबर आठ करते हैं सबसे पहले किसी वस्तु को बेचने पर दुकानदार को 20 प्रतिशत का लाभ हुआ है मान लो कोई व्यक्ति है कोई वस्तु है कि किसी वस्तु को बेचने पर दुकानदार को 20 परसेंट का लाभ हुआ है अगर आप ईमानदारी से क्लास देख रहे हो ना तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो ताकि मुझे पता लग जाएगा कि भाई कितने लोगों ने वीडियो लाइक कर दिया है एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी अपने अंदर तो क्या हुआ कि किसी वस्तु को बेचने पर दुकानदार को 20 परसेंट का लाभ हुआ यदि वह वस्तु उसने बारह रुपए में बेची तो ज्ञात कीजिए दुकानदार ने उस वस्तु को कितने में खरीदा था यानी कि आपसे यहां पर मूल्य पूछा जा रहा है यानी कि एक चीज थी वो बारह सौ रुपए में बेची मान लो ये मोबाइल है ये मोबाइल है ये मैंने कितने रुपए में बेच दिया बारह सौ रुपए में बेच दिया और बारह सौ रुपए में बेचने के बाद मुझे बीस परसेंट का लाभ हुआ तो अब बताओ ये मोबाइल मैंने कितने रुपए में खरीदा होगा सीधा सीधा इतना सवाल है आप चाहो तो 1200 का 20 परसेंट निकाल सकते हैं हिंट दे दिया मैंने आपको मैं सॉल्व करवा रहा हूं चलिए सबसे पहले हम यहां पर देख रहे हैं कि हमको प्रतिशत लाभ कितना हुआ है हमको प्रतिशत लाभ कितना हुआ है बीस परसेंट देखो मैं आपको किस तरीके से पढ़ा रहा हूं मैं ऐसा मान रहा हूं कि आपसे कुछ नहीं आता है आज आप जीवन में पहली बार मैथ पढ़ने लगे हो मैं उस स्तर से शुरू कर रहा हूं और आज की एग्जाम के लेवल तक जाऊंगा ठीक है जो बहुत ज्यादा होशियार बनते हैं वो भले ही अपनी क्लास में ना भी पढ़ेंगे ना तो अपन को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है समझ रहे हो को बेसिक से हाई तक आगे बढ़ना है मेरा मानना है कि आपको कुछ नहीं आता और मैं उसी तरीके से आपको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं लाभ कितना होगा बीस परसेंट विक्रमूल्य कितना दे रखा है हमको विक्रम मूल्य दे रखा है साथियों हमको बारह सौ रुपए हमको क्या निकालना है हमको निकालना है मूल्य क्या निकालना है हमको मूल्य निकालना है हमको. हमको क्या निकालना है साथियों यहां पर हमको निकालना है क्रैमूल्य अब यहां पर क्या होता है एक सूत्र लगेगा आपको हमेशा क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या लगेगा विक्रय मूल्य अगर यहां पर हमको क्या दे रखा है प्रतिशत में दे रखा है बीस परसेंट बीस परसेंट हमको एक्स्ट्रा दे रखा है तो एक सूत्र आप यहां पर लिख सकते हैं विक्रय मूल्य इधर देखिए मुझसे दुब रहा है आपको विक्रय मूल्य इनटू सौ बटे लिखते जाओ आराम से विक्रय विक्रमूल्यू सौ बटे हंड्रेड प्लस लाभ यह एक सूत्र है क्रय मूल्य निकालने का इसको लिख लो आप इसका हम बार बार प्रयोग करेंगे तो आपको आ जाएगा जब भी हमको क्रय मूल्य निकालना हो और विक्रय मूल्य का प्रतिशत अगर हमको दे रखा है लाभ का प्रतिशत दे रखा है तो हम क्या करेंगे विक्रयमूल्य गुणा सौ बटे सौ प्लस लाभ अगर सपोज करो अगर यहां पर बीस परसेंट की हानि हुई होती अगर हमसे मान लो बीस परसेंट की हानि हुई होती तो क्या होता विक्रयमूल्य इंटू सौ सौ माइनस जितनी हानि है वो समझने का प्रयास करो देखो इधर देखो मूल्य हमको मूल्य निकलना है तो मूल्य निकालने के लिए प्रतिशत में दे रखा है क्रयमूल मूल्य इंटू सौ बटे 100 प्लस लाभ यहां पर लाभ हो रखा है इसलिए प्लस लाभ अगर यहां पर हानि हो रखी होती तो मैं माइनस हानि कर देता एक बार नोट कर लो अपनी कॉपी में इसको समझ लो फिर मैं इस क्वेश्चन को यहां पर आप लोगों के लिए जमा देता हूं ये हो गया अब इसी के आधार पर हम संख्या को नीचे जमा लेंगे आइए अब हम संख्या को नीचे जमा लेते हैं यहां लिखते हैं साथियों बारह सो इंटू बटे एक सौ बीस एक सौ बीस कैसे लिखा है 100 प्लस लाभ क्या साथियों यहां पर देखिए 100 प्लस हमने लाभ लिख दिया है 100 प्लस लाभ लिख दिया ना ये देखो बारह सो इंटू सो और 100 में हमने लाभ प्रतिशत जोड़ दिया तो 120 आ गया अब हम क्या करेंगे इस जीरो से इस जीरो को काट लेंगे अब हम साथियों पर बारह का भाग दे देंगे का भाग दे देंगे। तो ये कितनी बार कट गया सौ बार कट गया अगर सौ को दस से गुणा करेंगे तो आंसर आ गया हजार क्या आ गया आंसर हजार आ गया एक बार समझो बार बार हम कई सारे क्वेश्चन ऐसे करेंगे तो आपको हर चीज समझ में आ जाएगी आप बिल्कुल चिंता ना करें ऐसे ही समझेंगे अब देखो सुनो मैं अब दोबारा मिटा रहा हूं इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को दोबारा मिटा रहा हूं देखो क्या होगा कि हमको यहां पर दे रखा है उसका विक्रय मूल्य दे रखा है विक्रम मूल्य का मतलब होता है कि कोई चीज हमने बेची कितने में है भाई यार देखो कि ये मोबाइल है इधर देखो ये मोबाइल है इस मोबाइल को मैंने बारह सौ रुपए में बेच दिया और बारह सौ बेचने पर मुझे बीस परसेंट का लाभ हुआ तो मैं सीधी सी बात है ना कि मैं विक्रय मूल्य में से क्या करूंगा क्रय मूल्य निकालने के लिए इस सूत्र का प्रयोग करूंगा क्या करूंगा मूल्य गुणा में सौ बटे लाभ हुआ है तो क्या करेंगे साथियों सौ इंटू प्लस लाभ प्रतिशत अगर हानि हुई होती तो यहां पर क्या करता सौ माइनस हानि प्रतिशत आगे कई सारे सवाल सोल्व करेंगे तो धीरे धीरे आपको ये सवाल चीजें आ जाएगी चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है साथियों ये वाला ध्यान से करिए ये वाला करते हैं पहले अनुपात को रहने देते हैं ये वाला करते हैं छठा वाला ये वाला क्वेश्चन करो जिन भी लोगों ने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है पहले तो ईमानदारी के साथ पूरे दिल से प्यार से इज्जत से पॉजिटिविटी के साथ वीडियो को लाइक करो एक बार तो मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूं गाइज सब जगह वीडियो को शेयर कर दो ताकि सब लोगों को पता लग जाए क्लास स्टार्ट हो गई हमारी छठे का क्वेश्चन का आंसर करो फिर मैं आपको समझाऊंगा मैं आपको समझा देता हूं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का सत्तर प्रतिशत है मान लो क्रय मूल्य क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का सत्तर प्रतिशत है कि मान लो कि मैंने इस मोबाइल को किसी अमाउंट में बेचा मैंने इस मोबाइल को किसी अमाउंट में बेचा यह मेरे खरीदने वाले अमाउंट का सत्तर परसेंट है जैसे उदाहरण के रूप में मान लो माना मैंने यह कितने रुपए का बेचा सौ रुपए का कितने रुपए का बेचा सौ रुपए का तो मेरा मूल्य क्या है तो मेरा क्रय मूल्य है सत्तर रुपए आगे अब आप सॉल्व करो इसी के आधार पर पहले मैं आपको एक दो मिनट का समय दूंगा फिर मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा देखो ऐसे कर लो माना मूल्य सौ रुपए है ऐसे कर लो तो मूल्य क्या होगा हमारा विक्रय मूल्य क्या होगा हमारा सत्तर रुपए। क्या होगा हमारा विक्रम मूल्य इंग्लिश में बोल देता हूं कि आपका जो इसको कहते हैं साथियों कॉस्ट प्राइस और इसको कहते हैं सेलिंग प्राइस यानी मूल्य हमारा सौ रुपए मान लिया हमने तो इस क्वेश्चन के आधार पर हमारा मूल्य कितना होगा सत्तर रुपए हो गया तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए तो हमसे क्या पूछ रहा है यहां पर लाभ प्रतिशत क्या होगा अब हमसे पूछा जा रहा है साथियों लाभ प्रतिशत यहां पर पूछा जा रहा है अब लाभ प्रतिशत को निकालने का एक सूत्र है नोट करो लाभ प्रतिशत को निकालने का एक सूत्र है मैं हट गया हूं सामने से लिख लो आप एक बार लाभ गुणा सौ बटे लाभ गुणा सौ बटे है यह लाभ प्रतिशत निकालने का सूत्र है ये बात नोट कर लो लाभ गुणा सौ बटे क्रैमूल तो अब एक बात बताओ कि हमारा यहां पर क्रय मूल्य सौ रुपए का था और विक्रय मूल्य साथियों मैंने उल्टा लिख दिया माफी चाहता हूं तुमसे थोड़ा सा मैंने उल्टा लिख दिया ध्यान नहीं दिया मैंने उल्टा हो गया मुझसे ये उल्टा हो गया तो उल्टा हो गया उल्टा हो गया ये विक्रय मूल्य है ये विक्रय मूल्य है और ये है क्रय मूल्य ये है क्रय मूल्य ऐसे आ गया चलिए सर रिप्लाई दीजिए पढ़ाने में मन नहीं लग रहा है सर बता दो प्लीज किस में मन लग रहा है तो वो काम कर लो है भाई सुधीर अगर पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो किस में मन लग रहा है वो काम कर लो मन का काम तो कर लो किस में मन लगता है बताओ हम आपको आइडिया देंगे कि ये ये काम कर लो हम आपको आइडिया देंगे कि ये ये काम कर लो चलिए तो यहां पर लाभ कितना हो गया है आ जाइए मैं आपको सिखा देता हूं यहां पर समझा देता हूं यहां पर लाभ कितना है भाई कोई चीज मान लो कि हमने सौ रुपए में बेची सत्तर में खरीदी तो तीस का लाभ हो गया हमको तीस का लाभ हो गया इन कितना कर दिया सौ कर दिया बटे में मूल्य कितना है सत्तर ये हमारा इस सूत्र के अनुसार यहां पर काम बन गया अब इसको आप यहां पर काट सकते हो इस जीरो से आप चाहो तो इस जीरो को काट सकते हो आप कहीं और जगह जा रहा है क्या भाग मुझे नहीं लग रहा यह हो गया साथियों तीन सो और तीन सो में सात का भाग दे दो अब आप अगर आप तीन सो में सात का भाग दोगे तो संख्या ऊंची नीची आएगी ऊंची बड़ी आएगी और बयालीस पॉइंट छ बटे ये सी आंसर आ जाएगा ये कितना आंसर आ जाएगा सी आंसर आ जाएगा अब मैं दोनों क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट करूंगा आपके कमेंट पढ़ने के बाद में चलिए क्लास सर क्लास का टाइम क्या है क्लास का टाइम बेटा यहां लिख रखा है चौड़े दंग में लिख रखा है कितना बड़े बड़े शब्दों में क्लास टाइम नाइन पीएम और क्या लिखू ये लिख रखा है और कितना लिखूं बताओ चलो देखो एक तो सबसे पहले अपने दिमाग में यह चीज निकाल रखो कि भाई अगर मोल कोई चीज हमने सस्ती खरीद कर महंगा बेच दिया तो हमको लाभ हो गया कोई चीज को हमने महंगा खरीद कर सस्ता बेच दिया तो हमको हानि हो गई ये दो चीज तो आपको पता है ना कि कोई चीज हमने सस्ती खरीदी महंगी बेच दी लाभ हो गया कोई चीज हमने महंगी खरीदी सस्ती बेचती हानि हो गई सब सिर्फ दो शब्दों पर टिकी हुई है ये पूरी चीज आइए इसको हम फिर से समझ लेते हैं ये हमने कैसे किया है यहां पर क्या है कि यदि किसी विक्रय मूल्य यदि किसी मूल्य यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का सत्तर प्रतिशत है यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का सत्तर प्रतिशत है तो हमने यहां पर क्या देख ली साथियों क्रय मूल्य क्या है हमारा माना क्रय मूल्य कितना है सौ रुपए है. है ना और हमने उसको अरे माना विक्रय मूल कितना है हमारा सौ रुपए है तो क्रय मूल्य कितना है साथियों सत्तर रुपए जब हमने मान लो कि कोई चीज को सौ सौ रुपये सत्तर रुपए में खरीद कर सौ रुपए में बेच दिया कोई चीज को हमने यहां पर क्या किया साथियों सत्तर रुपए में खरीद कर सौ रुपए में बेच दिया तो हमको लाभ कितने का हो गया हमको लाभ हो गया तीस रुपए का तीस रुपए का लाभ हो गया भाई कोई चीज को हमने क्या सौ सौ रुपए में खरीदा क्रमूल्य सौ रुपए है विक्रय मूल्य सत्तर में माफ करना क्रय मूल्य हमारा सत्तर रुपए है और हमने इसको बेचा कितने सौ रुपए में तो हमको कितना हो गया तीस रुपए का लाभ हो गया अब हमको यहां से क्या पूछा गया है कि लाभ का प्रतिशत क्या है अब हमसे पूछा गया है कि लाभ का प्रतिशत क्या है लाभ प्रतिशत क्या है अब देखो दो तरीके हैं करने के तो लाभ निकालने के कई सारे तरीके हैं लेकिन जो मेथड हमारा जो काम करता है जो हम सूत्र के अनुसार चलेंगे उसी सूत्र के अनुसार जो लाभ प्रतिशत निकालने का जो सूत्र है साथियों लाभ गुणा सौ बटे क्रैमुल ये सूत्र है साथियों लाभ प्रतिशत निकालने का यह क्या है साथियों लाभ प्रतिशत निकालने का हमारा सूत्र है इस सूत्र के अनुसार हम सबसे पहले लाभ लिखेंगे तीस तीस रुपए लाभ हो गया इनटू हमने सौ कर दिया यहां पर बटे में क्या हो गया साथियों हमारा बटे में यहां पर हो गया हमारा सत्तर क्या हो गया हमारा बटे में यहां पर हमारा सत्तर हो गया क्योंकि क्रैमूल हमारा कितना है सत्तर है। तो हमने क्या किया इस जीरो से इस जीरो को काट दिया और अब जो संख्या बच गई तीन को सौ से गुणा किया तीन सौ और भाग दे दिया सात का इन संख्याओं में अगर भाग देंगे तो ये आंसर निकल कर आएगा थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा थोड़ा थोड़ा देखो दो क्वेश्चन पढ़कर आप आर्यभट्ट तो बन नहीं गए हो लेकिन थोड़ा थोड़ा तो समझ आने लगा ना सिर्फ दो क्वेश्चन पढ़ने से अभी तो हम और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो दिक्कत नहीं रहेगी बताओ अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम जंप करते हैं ये पिछला क्वेश्चन है जो हमने छोड़ दिया था क्या है मूल्य एक दे रखा मूल्य और एक दे रखा विक्रय मूल्य मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात दस अनुपात नौ है मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात है दस अनुपात नौ है तो हानि प्रतिशत क्या होगी देखो मूल्य क्या है मूल्य है हमारा दस विक्रय मूल्य क्या है विक्रय मूल्य है हमारा नौ तो भाई क्रयूल का मतलब होता है खरीदना विक्रम उल का मतलब होता है बेचना यानी कोई चीज हमने दस रुपए में खरीदी और उसको हमने नौ रुपए में बेचा तो सीधी सी बात है हानि हुई सीधी सी बात है हानि हुई हुई कि नहीं हुई हानि हुई ना भाई कोई चीज का क्रयमूल यानी खरीदा हमने सौ रुपए में विक्रम मूल्य का मतलब बेचा उसको नौ रुपए में तो हमको क्या हुई साथी वो हानि हुई तो यहां पर हानि का प्रतिशत ज्ञात किया जा रहा है तो यहां पर हानि कितनी हुई देखो क्रयमूल्य क्या है क्रमूल हो गया हमारा दस रुपए क्रमूल क्या है हमारा दस विक्रमूल क्या है हमारा नौ तो हानि कितनी हो गई हानि लिखते जाओ हानि कितनी हो गई एक अब एक का आपको प्रतिशत निकालना है अब जो हानि हुई है ना एक इसका आपको प्रतिशत निकालना है अब मैंने आपको क्या कहा मैंने आपको हानि प्रतिशत निकालने के लिए एक सूत्र बताया था आ जाते हैं हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत का एक ही सूत्र है बल अलग अलग नहीं है लिखो एक बार इसको मैं हानि प्रतिशत का निकालने का सूत्र हानि प्रतिशत निकालने का हमारा साथियों एक सूत्र है क्या सूत्र है हानि प्रतिशत निकालने के लिए हानि गुणा सौ बटे क्रैमूल देखो एक ही सूत्र है दोनों सूत्र में बिल्कुल भी अलग अलग नहीं है लाभ गुणा सौ बटे क्रैमुल यहां पर प्रतिशत लाभ निकालना है तो लाभ गुणा सौ बटे क्रैमुल यहां पर हानि प्रतिशत निकालनी है तो हानि गुणा सौ बटे क्रैमुल बिल्कुल भी बदलाव नहीं है ऊपर आपको हानि उसको सौ से गुणा करना है और क्रम का भाग दे देना है आप में से मनी मनीषा मीना ने सौ आंसर बिल्कुल आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है दस परसेंट इसका आंसर आ जाएगा आप संख्या को हम इसी प्रकार से बेटा यहां पर जमा लेंगे अब संख्या को हम इसी प्रकार से यहां पर जमा लेते हैं देखिए संख्या को इसी प्रकार से जमा लेते हैं हानि कितनी है हमारी हानि है बेटा हमारी एक को कितने से गुणा करेंगे सौ से गुणा करेंगे क्रय मूल्य कितना है हमारा हमारा क्रय मूल्य है साथियों क्रय मूल्य है साथियों दस तो हम क्या करेंगे इधर देखिए, इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे और इस दस को एक से गुणा कर देंगे तो साथियों दस आ गया अर्थात दस प्रतिशत आपका आंसर अब बताओ कोई समस्या है क्या अब बताओ इस प्रकार के सवालों में ये बेसिक सवाल हो गया हमारा एक प्रकार से फाउंडेशन क्लियर हो गया अब यहां से हम थोड़े कठिन सवालों की तरफ जंप करते हुए चलेंगे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ मजा आ रहा है कितने लोगों ने वीडियो लाइक कर दिया मैं एक बार लाइक देख रहा हूं कितने लोगों ने कर दिया वीडियो लाइक ओके okay. सब लोग वीडियो को लाइक कर दो अच्छा एक बात सुनो आ, आप लोग जितने भी लोग अभी इस समय देख रहे हैं क्योंकि मैंने ये बात क्लास के आरंभ में बतलाई थी उस समय स्टूडेंट कम थे मैंने ये कहा कि आप लोग जितने भी लोग इस समय देख रहे हैं चाहे लाइव देख रहे हो या बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हो आप लोगों को आ, अपना सब्जेक्ट लिखना है लिखना है एक कमेंट करना है आपको एक कमेंट करना है आपको क्या करना है लिखो एन टी एट और फिर आपका सब्जेक्ट का नाम ये कमेंट लिखो आप एन टी ए यू जी सी नेट और फिर सब्जेक्ट का नाम लिखो अब ये मैं क्यों लिखवा रहा हूं क्योंकि मैं एन टी ए यू जी सी नेट टाइप करूंगा ना तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा मैं फाइंड आउट कर पाऊंगा कि इस क्लास में हिस्ट्री के ज्योग्राफी के इकोनॉमिक्स के कितने स्टूडेंट हैं फिर मेरी कोशिश रहेगी मैं आप लोगों को एग्जाम के टाइम पर अच्छे नोट्स प्रोवाइड करवा सकूं तो ये आप अब चाहे लाइव देख रहे हो तो आप करो या रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हो बाद में तो आपको ये कॉमेंट करना है चाहे वीडियो को आप कितने दिन बाद में ही क्यों ना देखो ताकि मुझे एक लग जाए ठीक है ताकि मैं आपको ये कर सकूं और एक, एक टेलीग्राम चैनल है उस टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या इस क्लास के बाद में फॉर्ट फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगा वहां पर आप क्लिक करना डायरेक्ट आप वहां पर पहुंच जाओ और इस क्लास के नोट्स आपको इस क्लास के बाद में फर्स्ट कमेंट में पिन मिलेंगे वहां पर आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पर पहुंचोगे वहां पर आज की क्लास के नोट्स आपको मिल जाएंगे ठीक है गाइज थैंक यू थैंक यू थैंक यू पूरा सिलेबस हम लोग कंप्लीट करवा देंगे आज हमारा सातवें सातवें नंबर की क्लास है छठाओ अब इस वाले क्वेश्चन को हम लोग करते हैं ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखो आपको मजा आ जाएगा चलिए यदि दस रुपए रुपए दस का क्रय मूल्य कॉपी को बीस रुपए में बेचा जाता है मतलब किसी किताब कॉपी को दस रुपए में खरीदा और इसको बीस रुपए में बेचा जाता है तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा तो लाभ का प्रतिशत साथियों यहां पर क्या होगा मान लो कि यह मोबाइल है यह मैंने दस रुपए में खरीदा और इस मोबाइल को मैंने बीस रुपए में बेच दिया और आपको जानकर बड़ा हर्ष होगा कि यह क्वेश्चन 2019 के एग्जाम में आया है यह क्वेश्चन नेट 2019 के एग्जाम में आया है आपको जानकर बड़ा हर्ष होगा हो इसका सही आंसर 100 है पर मेथड क्या है अगर मान लो कि मैं इसकी संख्या में चेंज कर दूं तो आप फिर दोबारा कंफ्यूज हो जाओगे मेथड समझो मैं इस क्लास में तुक्के मारने के लिए नहीं हूं कि सर डायरेक्ट सौ का बीस कर दिया अगर मान लो कि ये सौ की जगह इसको मैं यहां बारह कर दूं और इसको इसको कर दूं मैं तीस कर दूं तो कंफ्यूज हो जाओगे ना एकदम से कंफ्यूज हो जाओगे ना पर आपको संख्या सरल मिलगी इसलिए आपने कर दिया हमको यहां पर मेथड से समझना है कि यहां पर तरीका क्या होने वाला है हमको क्या करना है साथियों यहां पर तरीके से करना है तरीका क्या है मूल्य क्या है सबसे पहले मूल्य समझो मूल्य क्या है मूल्य है दस मूल्य क्या है बराबर बीस लाभ कितने का हुआ लाभ हुआ साथियों दस का लाभ कितने का हुआ यहां पर दस का लाभ हुआ इतना तो आपको समझ लग गया ना कि लाभ कितना हुआ दस का हुआ तो हमसे क्या पूछा जा रहा है लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है तो मैंने लाभ प्रतिशत का कितने बार सूत्र लिखवा दिया लाभ गुणा सौ बटे मूल्य देखो मैंने कितनी बार सूत्र लिखवा दिया लाभ प्रतिशत देखो लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या है लाभ गुणा सौ बटे क्रैमूल अगर हमसे हानि प्रतिशत पूछा जाता इधर देखिए अगर मान लो हमसे हानि प्रतिशत पूछा जाता हानि प्रतिशत तो सूत्र क्या होता हानि गुणा सौ बटे क्रैमूल सिर्फ एक ही चीज का अंतर है लाभ की जगह हानि हानि की जगह लाभ अब आया समझिए क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से लाभ प्रतिशत अगर पूछा जाए तो सीधा लिखना है लाभ गुणा सौ बटे क्रैमुल अगर हानि प्रतिशत पूछी जाए तो सीधा लिखना है हानि गुणा सौ बटे क्रैमुल और आपका आंसर आ जाएगा इस मेथड के अनुसार अगर हम करेंगे तो यहां पर क्या हो गया साधु लाभ कितने का है हमारा लाभ है साथियों दस का दस गुणा सौ बटे क्रैमूल कितना है दस तो यहां पर क्या करेंगे दस तो यहां पर क्या करेंगे इस दस से इस दस को काट देंगे और सौ बच जाएंगे आंसर है हमारा सौ आ जाएगा पर मैं आपको इतना आसानी से यहां पर छोड़ने वाला नहीं हूं मैं यहां पर अब संख्या चेंज करने वाला हूं ताकि आप इस क्वेश्चन में फंस जाओ यानी पच्चीस रुपए क्रय मूल्य पच्चीस रुपए क्रय मूल्य की एक कॉपी को तैतालीस रुपए में बेच दिया जाता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो ऑप्शन की तरफ मत देखना अपना अपना आंसर कमेंट्स में लिखना अपना अपना आंसर कमेंट्स में लिखना कि कोई चीज है ये मोबाइल की कीमत मान लो पच्चीस रुपए है इस मोबाइल की कीमत पच्चीस रुपए है और इस मोबाइल को तैतालीस रुपए में बेच दिया तो अब लाभ प्रतिशत क्या होगा मैं आपकी सुविधा के लिए बतला दू क्रैमूल क्रैमुल का मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी है पच्चीस रुपए सेलिंग प्राइस यानी विक्रैमुल कितनी है फोर्टी थ्री रुपए लाभ कितने का हो गया है पच्चीस फोर्टी थ्री माइनस पच्चीस करो लाभ बताओ कितने का हो गया है सब लोग कमेंट में आंसर देंगे तभी आपकी इंटेलिजेंसी यहां पर शामिल होगी पता लगेगी वेरी गुड तो लाभ जो हुआ है साथियों वो हुआ है अट्ठारह रुपए का अब ये लाभ प्रतिशत निकालना है हमको जब हम लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो क्या करेंगे गाइज सूत्र बताया था ना मैंने आपको लाभ इन टू सौ बटे क्रैमूल ये सूत्र बताया मैंने आपको चलिए मैं आपके कमेंट देख लेता हूं गाइज आप लोगों ने बेहतर क्वेश्चन कहे कि यार बेहतर क्वेश्चन हमारे आ, क्या हो जाएंगे आप लोगों ने कि बेहतर क्वेश्चन बेहतर परसेंट आपका सही आंसर है आप लोगों ने ये कहा है वेरी गुड चलिए मैं इसको करके देख लेता हूं कितना आंसर बैठता है अब इसके आधार पर हम संख्या को जमाते हैं सबसे पहले लाभ लिखते हैं लाभ हो गया हमारा अट्ठारह कितना हो गया साथियों सबसे पहले मैं क्या लिखता हूं लाभ लिखता हूं लाभ हमारा हो गया अठारह इंटू सौ बटे मूल्य कितना है हमारा ट्वेंटी फाइव तो क्या करेंगे 25 से 100 को काटेंगे 25 चौका 100, चार बार गया और 18 और 36, 18 अठारह छत्तीस और छत्तीस हुआ बेहतर तो सही आंसर आ गया साथियों बेहतर प्रतिशत कितना लाभ हुआ यहां पर बेहतर प्रतिशत का लाभ हुआ अभी मैं फिर से आपको करवाने वाला हूं ताकि आप इस क्वेश्चन को कंठस्थ कर लो इस तरीके के क्वेश्चंस को वो कहते ना करत करत अभ्यास के जड़ होत हो और रसरी आवत जात सिल पर पड़त निशान अभ्यास ही एक ऐसी एकमात्र चीज है जो आपको इस रण क्षेत्र में पार करवाएगी अगर आप अभ्यास करते जाओगे तो आपके लिए ये मैथ बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी इसलिए मैं आपको यहां पर क्या करवाऊंगा साथियों अभ्यास करवाऊंगा अभी मैं आपको और क्वेश्चन करवाने वाला हूं अभी क्लास हमारी आधे घंटे और चलेगी अभी आधा घंटे क्लास और चलेगी अभी बहुत सारे क्वेश्चन बच रहे हैं अभी मैं और क्वेश्चन करवाऊंगा लेकिन मैं आपसे आपके कमेंट पढ़ लेता हूं कि क्या क्या आप कमेंट कर रहे हो सर जी पेपर टू के बारे में कुछ बता दीजिए प्लीज सर हम पूरी तरह आप पर ही डिपेंड हैं विशाल रॉयल सब्जेक्ट क्या है बेटा आपका विशाल भाई सब्जेक्ट क्या आपका बताइए विशेष है माफ करना विशेष रॉयल क्या सब्जेक्ट है आपका सर आप रोज क्लास कब से लीजिएगा प्लीज अरे ये रोज ही क्लास होती है भाई अब आपको डेली आना है रोज रोज आना है अब आपको इसी समय डेली आना है मतलब बहुत बढ़िया रोशनी हाय रोशनी हिंदी के बारे में देखो मैं आपको सेकंड पेपर के बारे में कुछ बता देता हूँ हाँ हेलो अर्चना देखो मैं आपको सेकंड पेपर के बारे में कुछ चीजें समझा देता हूँ फिर हम मैथ को आगे बढ़ाने वाले हैं देखो यार है ना ये जो एग्जाम है ना इस एग्जाम को मुझे कई बार पास करने का अनुभव है मैंने इस एग्जाम को कई बार पास किया और है और कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाए आपको तो पता ही है इस एग्जाम को पास सिर्फ एक पेपर के भरोसे नहीं कर सकते कि आप पेपर वन पढ़ रहे हो धुआंधार और सेकंड पेपर को नहीं पढ़ रहे हो तो फेल हो जाओगे अगर आपको लगता है कि यार मैं सेकंड पेपर को पढ़ लूं फर्स्ट पेपर को नहीं पढ़ूंगा तो भी फेल हो जाओगे ये, ये जाओगी एक ऐसे एग्जाम है जो दोनों चीजों को साथ लेकर पढ़ना पड़ता है तो एक काम बीस घोड़ अच्छा अभी तो मैं पिछले क्वेश्चन पे जाऊंगा अभी तो मैं इसी को और अच्छे से करवाऊंगा हाँ भाई इसको और अच्छी तरीके से करेंगे अभी हम इस वाले क्वेश्चन को और अच्छी तरीके से करेंगे अभी तो आराम से पढ़ेंगे क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको कोई संशय रुपए यहां पर क्या है क्रय मूल्य क्या है मेरा यहां पर मैंने क्रय मूल्य लिख दिया यहां पर पचपन रुपए मान लो क्रय मूल्य कितना है मेरा पचपन रुपए है और विक्रय मूल्य मेरा तैतालीस रुपए है विक्रय मूल्य मेरा तैतालीस रुपए है तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत याद करो चलो करिए मूल्य पचपन रुपए मूल्य तैतालीस रुपए तो लाभ या हानि क्या होगा उसका प्रतिशत निकाल कर बताओ चलिए देखो मैं पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ाता हूं हमारे यहां पर मैं पेपर वन पढ़ाऊंगा पॉलिटिकल साइंस का ज्योग्राफी का इकोनॉमिक्स का अलग अलग टीचर्स होते हैं बट क्या कि जैसे आप क्लास ज्वाइन करोगे ना सारे टीचर्स की क्लास देख पाओगे मैं आपको पर्सनली गाइड कर दूंगा कैसे क्या करना है चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दो कोई पच्चीस परसेंट लिख रहा है कोई बीस परसेंट सत्ताईस परसेंट ऐसे तुक्के मत मारो यार मत मारू देखो मूल्य निकाल लिया मैं सूत्र लिख देता हूं आपके लिए मूल्य यानी हमारी क्या है, प्राइस जो है वो पचपन रुपए है सेलिंग प्राइस यानी प्राइसूल फोर्टी थ्री है हानि हुई है हमको हानि कितनी हुई है हानि ये बता दीजिए बारह की हानि हुई है चलिए बारह की साथियों हमको क्या हुई है हानि हुई है तो इसका प्रतिशत निकालना है अब आपको अब आप करिए आप सब लोग अलग अलग आंसर दे रहे हैं मैं आपको सूत्र बता देता हूं देखो हानि सूत्र निकालने के लिए हमने बताया था हानि टू सौ कितनी बार बोल दिया बटे क्रैमुल बस यह सूत्र आना था यह सब जगह लगेगा हानि हो या प्लस हो अगर आप प्रतिशत निकालते हो तो यही लगेगा अब इसके अनुसार हम संख्या जमा लेंगे हानि है हमारी बारह की इनटू कर दिया सौ क्रेमुल है हमारा पचपन काट लो इसको पांच से काट लो ग्यारह बार कट गया का बीस पचम पच पच्च। सो है हाँ पांच दुनी दस और ये बीस बार कट गया अब यह क्या करेंगे साथियों इनको आप गुना कर दो बारह गुना बारह दुना चौबीस इधर देखिए अरे रुक जा भाई बारह दुना चौबीस और एक दो सौ चालीस में ग्यारह का भाग दे दो दो सौ चालीस में ग्यारह का भाग दे दो इक्कीस पॉइंट इक्यासी इक्कीस पॉइंट इक्यासी प्रतिशत इक्कीस पॉइंट इक्यासी प्रतिशत की हानि हुई मतलब मेरा कहने का मतलब है कि मेथड आप समझ चुके हो ना कि भाई अगर परसेंटेज लाभ निकालेंगे तो क्या लिखना है परसेंटेज हानि निकालेंगे तो क्या लिखना है इस चीज को तो आप समझ चुके हो ना मुझे ये कह दो आप कमेंट्स में ये कह दो सर इसको समझ गए हम परसेंटेज लाभ हानि निकालना सीख गए हो ना आप परसेंटेज लाभ हानि निकालना सीख गए हो आयु से कह रही कि बारह गुना चौबीस कैसे होगा बारह गुना चौबीस का किया है हमने हमने तो बारह गुना बीस किया है हमने तो बारह गुना बीस किया है ना दोस्त चालीस बटे ग्यारह किया है ना हमने तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ जंप करते हैं बीस घोड़ों का क्रय मूल्य ये जो एक ध्यान शब्द होगी बीस घोड़ों का जो क्रय मूल्य है ना इधर देखिए बीस घोड़ों का क्रय मूल्य सोलह घोड़ों के विक्रय मूल्य के बराबर है यानी जितने रुपए में हमने बीस घोड़े खरीदे उतने रुपए के तो हमने सोलह घोड़े बेच दिए और चार घोड़े बचा भी लिए अर्थात लाभ हो गया क्वेश्चन को समझो बीस घोड़े के मूल्य में हमने कितने बीस बीस घोड़ों के जितने जितने रुपए का बीस घोड़े खरीदे ना उतने रुपए में हमने सोलह घोड़े बेच दिए और यानी कि चार घोड़े हमको बचा लिए यानी कि हमको चार का लाभ हो गया तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करवा रहा है हमसे फिर से दोबारा लाभ प्रतिशत ज्ञात किया जा रहा है तो सीधी बात है सबसे पहले यहां पर आ जाइए घोड़ों का मूल्य क्या है यहां पर मूल्य लिख देते हैं साथियों मूल्य बताओ कितना लिखूं मैं यहां पर सौ लिखूं या सोलह लिखूं मूल्य लिख दिया सौ रुपए सोलह मूल्य क्या है हमारा बेचा कितने में हमने इनको बीस में क्या ये बात सही है लाभ कितने का हो गया है यहां पर चार का तो चार का प्रतिशत निकाल लो हमने सूत्र बताया है लाभ इंटू सौ बटे मूल्य इस आधार पर अगर हम संख्या आगे जमाएंगे तो क्या हो जाएगा लाभ हमारा चार इंटू सौ बटे मूल्य हमारा सोलह क्या हो गया चार चौकु सोलह चार बार गया सौ में चार का भाग दे दो आंसर आ जाएगा सौ में यहां पर चार का भाग दे दीजिए आप यानी कि सही आंसर है साथियों पच्चीस परसेंट ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है आप इसका सरल देख लीजिए कितना सरल क्वेश्चन है ये अब बताओ मजा आ रहा कि नहीं आ रहा आ नहीं आ रहा ये बताओ कितना सरल तरीके से हमने इनको सॉल्व कर लिया है मैं आपको इस मोबाइल में आपके कमेंट देख रहा हूं इसलिए बार बार नीचे देखता हूं भाई बीस रूप बीस घोड़ों का क्रय मूल्य सोलह घोड़ों के बराबर है तो भाई सोलह रूप सोलह घोड़े जितने में खरीदे ना इन्होंने यानी बीस घोड़े जितने रुपए में खरीदे उन उतने रुपए के सोलह घोड़े इन्होंने बेच दिए चार बचा लिए अरे यार ये का भयो समझा रहा हूं एक बार ये ये देख लेता हूं कहा क्या हो गया रुको तो रुको रुको हाँ आ गया भाई बीस घोड़ों का मूल्य यानी बीस बीस घोड़े जितने रुपए में खरीदे थे उतने रुपए के तो इन्होंने सोलह घोड़े बेच दिए और चार घोड़े बचा लिए तो यहीं से ये क्वेश्चन हमारा निकल कर आ जाएगा तो क्रेमूल हमारा हो गया सोलह विक्रमूल हो गया बीस और लाभ मिल गया हमको चार का और जो हमने सूत्र बताया था लाभ प्रतिशत का वो हमने यहां पर लगा दिया लाभ गुणा सौ बटे क्रैमुल इस तरीके से हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है वीडियो को लाइक करते चलो अगर नहीं किया है तो चलिए क्वेश्चन नंबर दो करते हैं आप लोगों के लिए पहले आप करने का प्रयास करो दिमाग लगाओ धम धम धड़म धड़ैया रे सबसे बड़े लड़ैया रे ओंकार जून के फॉरम निकलने वाले हैं गाइज जून के फॉरम निकलने वाले हैं अच्छा ठीक है आपसे मैं सीपी का मतलब लिख देता हूं कॉस्ट प्राइस ये कह रहे हैं सर सीपी और एसपी से बताइए ये होता है सेलिंग प्राइस इसका मतलब होता है यानी खरीदा हुआ इसका मतलब बेचा हुआ मूल्य आगे से मैं सीपी और एसपी बताऊं बोलूंगा यार कभी आप कहते हो क्रेमुल और विक्रेमुल बोलो कभी कहते हो सीपी और एसपी बोलो तो ये अब आप लोग डिसाइड कर लो मैं क्या बोलू करिए एक व्यक्ति एक घड़ी को अट्ठारह सौ रुपए में बिक्री कर दस प्रतिशत की हानि उठाता है यानी अट्ठारह सौ रुपए में बेचता दस परसेंट की हानि होता है तो दस परसेंट लाभ कमाने के लिए कितने रुपए का उस पर मूल्य डालना पड़ेगा सिंपल सवाल है जितने भी लोगों ने 2200 आंसर किया है ना उन सब ने सही कर दिया है बधाई हो आप लोगों जितने भी लोगों ने 2200 आंसर किया है उन सबको बधाई बहुत बढ़िया मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप लोग लाभ हानि सीख चुके हो थैंक यू विशेष प्रेम आप लोगों को कि लाभ हानि आप लोग सीख चुके हो और कर लो मेरा नेट हो गया जे आर एफ नहीं हो पाया क्या करूं प्रिया सिंह बेटा थोड़ा सब्जेक्ट को डीप तरीके से पढ़ो दोनों चीजें हो जाएंगी थैंक यू प्रवीण थैंक यू अमोल कुमार मैथिली से हैं चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं कैसे करना है यहां पर साथियों सीधी बात है कि यहां पर जो सेलिंग प्राइस है अब मैं आपको सेलिंग प्राइस बोल रहा हूं ना सीपी बोल रहा हूं यहां पर जो सीपी है ना साथियों सीपी सेलिंग प्राइस है अट्ठारह सो सीपी कितना है अठारह रुपए में वो क्या करता है बेचता है अब अट्ठारह सो में अगर वो सीपी करता है तो उसको दस परसेंट की हानि होती है हानि कितनी होती है यहां पर हानि होती है उसको दस प्रतिशत की तो अब हमको यहां पर क्या कहना है यहां पर हमको ये है सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस है तो हमको सीपी यहां पर निकालना है यानी कि सेलिंग प्राइस क्या है विक्रमूल अट्ठारह सो है कॉस्ट प्राइस साथ ही हमको यहां पर निकालना है क्या निकालना है यहाँ पर हमको क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य निकालने के लिए एक पूरा सीधा सा हम लोगों ने एक मेथड समझा था ऊपर लेके विक्रमूल एक, 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 एक सूत्र होता है मूल्य गुना सौ बटे सौ माइनस हानि लिख लो इस सूत्र को विक्रम मूल्य निकालने के लिए मूल्य इंटू सौ बटे सौ माइनस हानि अब इसके आधार पर अब हम यहां पर संख्या साथियों यहां पर जमा लेते हैं आइए इसके आधार पर संख्या यहां पर हम जमा लेते हैं विक्रमूल कितना है हमारा अठारह सौ रुपए है यानी इसके बाद में हम लिख देंगे सौ 100।, 100 माइनस हानि हानि दस की हुई है तो बटे में लिख देंगे नब्बे क्या लिख देंगे बटे में लिख देंगे नब्बे अगर हम इसको इस जीरो से इस जीरो को काट दें नौ दूनी अठारह दो बार गया ये बीस हो गया बीस इंटू सौ किया दो हजार यानी कि क्रैमुल कितना हो गया वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या हो गया कॉस्ट प्राइस यहां पर दो हजार निकल गया जबकि इसका सेलिंग प्राइस क्या है अठारह सौ रुपए है इसका कॉस्ट प्राइस क्या है इसका कॉस्ट प्राइस है साथियों यहां पर दो हजार रुपए अब हमसे ये कहा गया है कि अब हमको दस परसेंट का लाभ और कमाना है अब यहां से आगे भी हमको दस परसेंट का लाभ कमाना है तो उस समय फिर हमको कितने रुपए की घड़ी बेचनी है दस परसेंट का लाभ कमाने के लिए अब हमको दस परसेंट का लाभ कमाने के लिए घड़ी कितने रुपए की बेचनी है तो विक्रय मूल्य निकालने का भी एक सूत्र होता है क्या सूत्र होता है विक्रय मूल्य निकालने का इधर देखिए विक्रय मूल्य निकालने का भी एक सूत्र होता है आप चाहो तो इसको अपने दिमाग में रख सकती हो विक्रय मूल्य निकालने का एक सूत्र होता है क्या होता है मैं आपको यहां पर बता देता हूं यह होता है साथियों क्रेमुल क्या होता है यह होता है सौ अगर यहां पर प्लस है अगर लाभ है तो प्लस लाभ लिख दो अगर हानि है तो प्लस हानि लिख दो बटे साथियों बटे में यहां पर हमको क्या करना है बटे में यहां पर सौ करना है अगर आपको लाभ है प्लस तो लाभ लिख दो हानि है तो हानि लिख दो इस तरीके से हमको यह विक्रम निकालने का एक सूत्र है इसके आधार पर अब हम इस संख्या को कैसे जमाएंगे और माफ करना इसके आधार पर अब हम इस संख्या को यहां पर जमा लेते हैं इधर की साइड तो यहां पर मूल्य कितना हो गया साथियों हमारा मूल्य कितना हो गया टोटल मूल्य हो गया हमारा दो हजार क्या हो गया सौ दस रुपए का हमको लाभ चाहिए दस परसेंट का तो यहां पर क्या किया हमने इंटू एक सौ दस कर दिया और बटे में हमने क्या कर दिया सौ कर दिया अब हमने क्या किया यहां पर साथियों इस दो जीरो से इन दो जीरो को काट देंगे और 110 सौ दस इंटू दो कर देंगे क्या करेंगे 110 सौ दस इंटू बीस को हमें अगर 110 सौ दस इंटू बीस कर देंगे साथियों क्या सौ दस इंटू बीस कर देंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा बाईस सौ आंसर आ जाएगा यह है मेथड के अनुसार करना इस तरीके से बड़ा सरल तरीके से हम क्वेश्चन को कर पाएंगे मेरी क्लास रोज रात को नौ बजे स्टार्ट होती है रोज रात को नौ बजे मेरी इस क्लास स्टार्ट होती है पेपर वन इस समय कंप्लीट करवा रहा हूं आज हमने प्रतिशत को कंप्लीट एक तरीके से कर लिया है अब आप बताइए मैं जब तक एक दिन में एक प्रश्नावली करवाता हूं चाहे वो एक घंटे की क्लास हो चाहे वो डेढ़ घंटे की क्लास हो चाहे वो दो घंटे की क्लास हो मैं एक दिन में एक क्लास कंप्लीट करवाता हूं ठीक है कोई चीज दिक्कत आ रही है समझने में तो मुझे बताओ नहीं तो एक अगले क्वेश्चन की तरफ चलें अब अगला क्वेश्चन है साथियों नंबर एक धीरे धीरे हम कठिन क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं अगला क्वेश्चन ये रहा सोचो फिर आंसर करो एक खुदरा विक्रेता अपनी सभी वस्तुओं पर लागत मूल्य में लागत मूल्य में चालीस प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करता है मतलब मान लो कि कोई कोई वस्तु है सौ रुपए की है और उसमें वो एक सौ चालीस रुपए लगा देता है यानी चालीस परसेंट एक्स्ट्रा अंकित कर देता है यानी कोई वस्तु की लागत सौ रुपए की है उसमें वो चालीस परसेंट अधिक अंकित करता है इस प्रकार उसको बीस प्रतिशत लाभ की उम्मीद रखता है इसके पश्चात वह अंकित मूल्य पर बीस परसेंट की छूट देता है क्या देता है छूट देखो क्या किया सौ रुपए की सौ रुपए की कोई वस्तु खरीदी एक सौ चालीस रुपए प्रिंट कर दिए एक सौ चालीस पर बीस परसेंट का डिस्काउंट दे दिया तो बिक्री पर वास्तविक कितना प्रतिशत का लाभ होता है बस गणित है कि ये इतना लंबा क्वेश्चन समझकर कंफ्यूज मत हो जाओ ऐसा मानो कि कोई किताब कोई कोई वस्तु है सौ रुपए की है सौ रुपए की लागत है और उसमें उसने छाप दिया 140, 140 छापने के बाद में उसने क्या किया कि 20 परसेंट का डिस्काउंट दे दिया तो 140 का 20 परसेंट निकाल लो आंसर आ जाएगा 140 का 20 परसेंट निकालकर इसमें से माइनस कर दो चलो करो सिंपल सा सवाल है यार देखो माना वो वस्तु का मूल माना वस्तु का मूल ये दो माना वस्तु का मूल कितना है सौ रुपए है वो चालीस परसेंट एक्स्ट्रा छाप देता है इसके ऊपर एक सौ चालीस रुपए लिख देता है एक सौ चालीस में वो बीस परसेंट का ऑफ दे देता है एक सौ चालीस का बीस परसेंट तो यार आप क्वेश्चन बन गया हमारे पास में 140 का 20 प्रतिशत कितना होगा ये मैंने आपको बतलाया था आगे तो हमने संख्या जमा दी 140 का मतलब गुणा लिख दिया 20 प्रतिशत मटा भाग ये दे दिया 100 का भाग अगर हम इस जीरो से इस जीरो को इस जीरो से इस जीरो को काटेंगे तो 14 दूनी 28 यानी कि कितना हो गया 20 परसेंट हो गया 28 तो 140 सौ माइनस अट्ठाइस कर देंगे तो 112 आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 112 आंसर आ जाएगा सही आंसर है साथियों 112 सौ बारह अर्थात बारह प्रतिशत अर्थात क्या हो गया साथियों बारह प्रतिशत एक आ गया 112 में बेचा अब मान लो 112 सौ बारह माइनस सौ बराबर बारह यानी 12 परसेंट आ गया सीधा सल एकदम बताओ कोई समस्या हो तो बोलो अब देखो धीरे धीरे जब करने लगते हैं ना क्वेश्चन तो इतना जल्दी जल्दी क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं अब बताओ क्या इस तरह कैसा लग रहा है आपको अब लाभ हानि पढ़कर अब कैसा लग रहा है आपको लाभ हानि पढ़कर बताओ ईमानदारी से बोलो कैसा लग रहा है दिल की गहराई से बात करो दिल से दिल से बोलो कैसा लग रहा है लाभ हानि पढ़कर ईमानदारी से जवाब दो इसको दोबारा बता दूं ठीक है इसको तो दोबारा बताने की जरूरत भी नहीं है एक तरीके से तो बता दूंगा लेकिन चलो आप तो बताओ कैसा लग रहा है मन में बताओ मन के भाव बताओ कैसे लग रहे हैं मन के भाव बताओ बहुत अच्छा लग रहा है देखो इसको कर लेते हैं माना वस्तु का मूल्य कितना है माना वस्तु का मूल्य सौ रुपए यानी लागत मूल्य जो है वो सौ रुपए है इस पर अंकित मूल्य कितना है चालीस परसेंट एक्स्ट्रा लिख दिया भाई सौ रुपए में चालीस परसेंट एक्स्ट्रा कर दिया तो इसमें अंकित मूल्य कितना कर दिया अंकित मूल्य अंकित मूल्य कितना है इसका 140 यहां तक बात समझ आ गई यहां तक बात समझ आ गई क्या मान लो कोई किताब कोई चीज है उसने रुपए में रुपए उसका मूल्य है उसने 40% एक्स्ट्रा अंकित कर दिया 140 हो गया क्या हो गया 140 हो गया अब यहां पर क्या किया है इसने 140 तो कर दिया लेकिन यहां पर 20% का ऑफ कर दिया यानी 20% का छूट दे दिया ₹140 पर 20% का छूट कर दिया तो हम क्या करेंगे एक सौ रुपए का बीस परसेंट निकालेंगे तो एक चालीस रुपए का बीस प्रतिशत एक सौ चालीस का मतलब गुणा इंटू बीस प्रतिशत का मतलब भाग तो इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे चौदह गुना दो बराबर अट्ठाईस यानी कि 140 का 20 प्रतिशत क्या हो गया अट्ठाईस रुपए की उन्होंने छूट दे दी यानी अंकित मूल्य 140 है 140 में उसने सौ रुपए की छूट दे दी तो बचे कितना तो बचे कितना 140 यानी बचे यानी किताब एक्चुअल एक रुपए में बिक रही है किताब कितने रुपए में बिक रही है बारह रुपए में बिक रही है एक में बट भाई हमारी किताब का अंकित मूल्य तो सौ रुपए है और हमारी किताब बिक्री एक में तो जाहिर सी बात है हमको बारह प्रतिशत यानी एक सौ बारह माइनस सौ बटे बारह यानी बारह परसेंट का हमको लाभ हो रहा है कितना सरल क्वेश्चन था ये तो कितना सरल क्वेश्चन था देखो कितना सरल था मैं और हट जाता हूं दूर देख लो आज हमने प्रतिशत खत्म कर ली है कल हम एक नई प्रश्नावली पढ़ेंगे कल हम एक नई प्रश्नावली पढ़ेंगे। डटो डटो मत, मत नमस्कार जय हिंद जय भारत